بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بار الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالات سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد ولا لبيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما أبا الحسن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهما ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه قال رسول الله هو شهر دويتم فيه الى زيافة الله وجعلتم فيه من اهل الكرامه الله انفسكم فيه تسبيهم ونومكم فيه عباده वह अमल को फी है मकबूल उन व दुआकुम फी है मुस्तजब परवरदगार आलम का शुक्र बजा लाते हैं कि उसने हमें माहिर में रोज़े रखने की तोहफ़ी कथा था फरमाई और रोज़ा रखने के वसाइल फ्राहम किए वक्त हमारे पास अब कम है तो ये ख़ुतब शाबानिया का ये हिस्सा जिसमें पैगम्बर अक्रम ने अपने असाब के दरमियान माह रमज़ान की फजीलत और उसमें मोमिन की ज़िम्मेदारियों को बयान फरमाया और इस शहर के मुतालिक इस माह रमज़ान के मुतालिक हज़रत ने फरमाया कि तुम्हें अल्लाह के दस्तरखान पर दावत दी गई है खुदा मेज़बान है और तुम उसके मेहमान हो तो हर मेज़बान चाहता है कि अपने मेहमान की ख़दमत करे और बेहतरीन खाने और अशिया जो है उसके दस्तरखान पे लगाए तो परवर आलम का ये जो दस्तरखान है जिसके ऊपर उसको दावत दी गई है एक मोमिन को और मैंने अर्ज किया कि दो तीन बातें अगर हम गौर से देखें यहाँ पर एक तो ये कि हमने कोई काम ही ऐसा नहीं किया था कि परवरदिगार आलम हमें अपना मेहमान बनाए कोई हमने काम ही ऐसा नहीं किया था और फिर हर एक को कहा कि तुम मेरे मेहमान हो अमीर हो गरीब हो गुनागार वो इबादत गुजार उसको तफरीक नहीं की और उसके बाद माह रमज़ान में वसायल फम किए इस दस्तरखान के ऊपर आने के लिए और वह दस्तरखान है तहारत का दस्तरखान पाकी का दस्तरखान, खान का दस्तरखान यानी जो इस माहरा मज़ान में आएगा मेरे दस्तर खान के ऊपर मैं उसको तहारत दूंगा मैं उसको पाकि दूँगा मैं उसको इतहात दूँगा मैं उसको परहेजगारी दूंगा अनफुम फी तस्वी अब देखें पूरा एक माहौल परवरदार अलम बना रहे के, तमाम वसाइल तुम्हारे लिए फ़राहम है का तुम्हारे सांस जो इसमें तस्वी है अब पूरे दिन में इंसान कितने सांस लेता है उसके बाद कहा तुम्हारी नींद इसमें इबादत है इबादत के अंदर नीयत शर्त होती है इख्तियार शर्त होता है देखिए परवरदिगार आलम इस रमजान में इतना मेहरबान है अपने बंदों के ऊपर कि सोया हुआ इंसान के जिसके पास जो ना नीयत करता है इबादत की और ना ही उसके पास कोई इख्तियार है उस हालत को भी पर है। फरमाते हैं कि ये अमल जो है तुम नी सो रहे हो कुछ भी नहीं कर रहे हो चूंकि मेरे लिए रोजा रखा हुआ है इसलिए मैं इसको इबादत शुमार करता अमल को फी मकबूल इतने अहतमाम के बाद इतनी तहारतों के बाद इतनी पाकी के बाद और ये मुकदस महीना फरमाता है कि मैं मोमिनों के अमाल को रद्द नहीं करूंगा जो मेरे लिए भूखे हैं जो मेरे लिए प्यासे हैं शदीद गर्मी के अंदर उन्होंने रोके रखी वो कुम फी है मुस्तजाब और इस माह मजान में तुम्हारी दुआएं कबूल होती खास तौर तो पर शहर के वक्त कि जब इंसान अल्लाह के लिए हलाल चीजों से गुरेज करता है और उनको छोड़ देता है और शाम को पूरा दिन भूखा और प्यासा रह के बाहर का खुदा में जब दुआ करता है तो फर्वाजिका का लम भी मलायका कहते हैं मलाइका इसको रद्द ना करना ये मेरे लिए इतने दे वक़्त भूखा रहा है प्यासा रहा उसके बाद फरमाए फ़सल रब बिन नाद अपने रब से सच्ची नीयत के साथ सवाल करो व कुलूब बिन ताहरा यहाँ पर मैं नीयत के मुतालिक आप लोगों की खिदमत में आश करूँ कि इस्लाम में आमाल की कबूलियत का दारोमदार मदार नीयतों पर है जैसे कि पैगम्बर अक्रम एशात फरमाते हैं इन नमल अमाल बिन नीयत अमाल तो बस नीयतों के ज़रिए होते हैं अगर आपकी नीयत अच्छी है नीयत पाक है नीयत में अखलास है नीयत में अल्लाह है नीयत में खुशनुदीय ख़ुदा है रज़ायत लाही है ये अमाल बारगह ख़ुदा में कबूल हो जाएंगे बल्कि जैसे कि बाद वाली रिवायत में है कि मोमिन खैर उम्मीन अमल है मोमिन की नीयत जो है उसके अमल से बेहतर है अगर नीयत सही नहीं है तो यकीनन अमल भी सही नहीं है अगर नीयत सही है तो यकीनन उसका अमल भी सही होगा खुलासा यह कि और इसी तरह फरमाती है वह नीयतुल काफिर शर्मिन अमल काफिर की नीयत जो है वो भी उसके अमल से बदतर है चूंकि उसकी नीयत के अंदर खुदा नहीं है शर है फसाद है झूठ है बहिमानी है लिहाजा यहां पर एक बात को मैं अर्ज करूं कि नीयत खालिस का क्या फायदा है नीयत दिक का क्या फायदा है कि परवरदिगार आलम जो है रवायात में है कि जब आप अच्छी नीयत करेंगे अभी अमल किया है या नहीं किया है परवर दिखार आलम को कहते मलाइका मेरे इस बंदे का सवाब इस अमल के लिए लेख दो खुदांदा इसने अभी अंजाम नहीं दिया कब मुझे इसकी नीयत पर ही एतबार है इसने अगर नीयत किया तो यह अमल को अंजाम भी देगा बस मोमिन इनके लिए उनकी नीयत की बड़ी अहमियत है क्योंकि जैसे ही वो नीयत करता है कि मैं नमाज पढ़ूंगा उसको नमाज का स्वा मिल जाता है जैसे ही वो नीयत करता है मैं रोज़ा रखूंगा उसको रोजे का स्वा मिल जाता है लेकिन गुना में ऐसा नहीं है कोई शक गुना की नीयत करे जब तक के गुना अंजाम नहीं दे, दे परवरदिकारालम मलाइकों को कहते हैं इसके लिए सजा ना लिखना खैर के अंदर नीयत पे ही काफी है दारद उसका सवाब मिल जाता है लेकिन गुना में और मासीत में जब तक के वो अंजाम न दे ले ये खुद एक करम है परवजार आलम का अपने बंदे के ऊपर वह नीयतुलकाफी शर्म अमल है वकुल्ल अमल नीयत हर दो अमिल जो है हर दो अमल करने वाले पाक नीयत वाला और नजिस नीयत वाला वो अपनी नीयतों के मुताबिक अमल करते हैं अच्छी नीयत वाला अपनी अच्छी नीयत के मुताबिक अमल करता है बुरी नीयत वाला अपनी बुरी नीयत के मुताबिक अमल करता है खुलासा ये कि इंसान को अपनी नीयत को पाक रखना चाहिए और यहाँ पर लमा फरमाते हैं कि कि अगर इंसान की नीयत पाहक हो सच्ची हो सादकाना हो तो वो एक मंशा पाएगा एक सरचश्मा होगा खैर वात का परवरदार आलम उसके राह में रास्तों को खोलता चला जाएगा उसकी मुश्किलात को आसान करता चला जाएगा अगर उसने किसी काम के अंदर नीयत को अच्छा रखा है सादक रखा है पाक रखा है तो आलम उसके लिए बहुत सारे खैर वरकत के चश्मे जो है खोल देगा और इसी तरह अगर इंसान की नीयत नापाक हो ना इस हो तो उसके लिए एक गुमराही के रास्ते खुलते चले जाएंगे और उसके कामों के अंदर बुराई और एक गुमराही जो है ना वो पाई जाए लिहाजा अजीजो हम आपसे हिस्सा अपनी नीयतों को पाक रखें ताकि मनशाए खैर हो खैर का सच चश्मा उसके बाद फरमाया कुलहिरा दिल है पाक साफ ऐसा दिल के जिसमें खुदा के सिवा कोई ना हो मौलोम जैनदीन फरमाते अलकल वरम उल्ल तुस्िन फी हरमिला गैरल्ला दिल जो है ये खुदा का घर है इस घर में गैर खुदा को जगह ना दो एक घर है अगर इस दिल में गैर खुदा को दुनिया की मोहब्बत को औलाद की मोहब्बत माल की मोहब्बत या दूसरी चीजों की मोहब्बत को जगह दिया है तो यह गस्बी है चूंकि ये मकान खुदा का मकान है दिल खुदा की जगह है अगर इसके अंदर दूसरे को जगह देंगे तो ये जगह उसके लिए गस्बी होगी खुलासे ये कि यहाँ पर फरमाया कि बस तुम्हारी जब इतनी फजा इबादत की कायम हो चुकी है तुम्हारे कि तुम्हारी तुम्हारी तस, सांस तस्बी है, तुम्हारी नींद इबादत है और तुम्हारी अमल जो है ना वो इसके अंदर मकबूल हैं कबूल हैं और तुम्हारी दुआएँ जो है ना वो अल्लाह इस ताहर मजान में पूरी करता है बस हम नीयत सच्ची नीयत नीयत सादक और कुलूब ताहिर के साथ ये जुमला है कि जिसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा और इसकी वजाहत करूँगा सच्ची नीयत के साथ और पाक दिल के साथ क्या सवाल करो आई यो वे का ही अल्लाह तो अल्लाह तुम्हें रोजा रखने की तोहफी कता फर्माए अब तोफीक क्या चीज है इसके ऊपर मैं आप लोगों को अर्ज करूंगा कि सच्ची नीयत के साथ साथी कता है। फर्मा फरमाते हैं कि तोफीक का अव्वल तो मैं अर्ज करूं आप लोगों की अल्लाह मुझे तोफीक दे अल्लाह मुझे तोफीक दे तोफी की इब्तदा खुदा की तरफ से नहीं होती तोफीक की इब्तदा इंसान की तरफ से होती है जैसा कि हर सीप के मुंह में मोती नहीं बनता वो जो औबिनिशा के कतरे के लिए अपने मुंह को खोलती है उसी के अंदर कतरा पानी का जाता है बारिश का और वही मोती में तब्दील होता है तो तोफीक के लिए भी खुद इंसान को इब्तदा करना होती है फिर खुदा मंद आलम आपकी मदद करता है आपके लिए उस अमल को अंजाम देने के लिए वसाइल को फराम करता है और उस रास्ते के अंदर जो रुकावटें हैं जो मवाने हैं उनको बरतरफ करता है ये है तोफीक के माने यानी अपने इरादों को मुआफिक करना अल्लाह के इरादों के और उसकी इब्तदा जो है वो इंसान की तरफ से होती है जब तक कि इंसान खुद इरादा ना करे खुद नीयत ना करे किसी काम की परवदगार मजबूरन नहीं कराएगा ये जी तोफी अब एक रिवायत है हज़रत एम महमद तकी़र सलामाम हज़रत इम जवाद से इसको थोड़ा मुलायज़ा करें मैंने इसके ऊपर बहुत मताल किया और कल भी जब मैं इसको मताल कर रहा था तो बहुत ने इसकी तश्रियात लिखी मौलम दहम फरमाते हैं अलमोमिनो अलमोमिनताजल से खिस मोमिन हमेशा तीन चीजों का मोहताज है तीन चीजों का हमेशा मोहताज है उससे बेनियाज नहीं हो सकता अलवल मिन अल्लाह अल्ला से तोफीक हर काम में तोफीक है आप छोटे से छोटा काम करें या बड़े से बड़ा काम करें जब तक कि अल्लाह ताला की तरफ से तोफीक आपके शामिल हाल नहीं होगी जब तक के खुदा की हिमायत आपके हाल शामिल हाल नहीं होगी जब तक कि, हाँ कि अल्लाह ताला की मदद आपके शामिल हाल नहीं होगी आप उस काम को अंजाम नहीं दे सकते माहरा मजान है माहरा मजान के अंदर अगर इंसान खुलूस दिल से अल्लाह से तोफीको तलब करे कि परवर दिखा रहा तुम मुझे रोजे रखने की तोफीक दे तू मुझे रोजे रखने की हिम्मत दे आपकी मदद करेगा आपके लिए वसाइल को फराहम करेगा सफर का मौका फ्राहम नहीं करेगा चूंकि आपको मालूम है सफर के अंदर वो हादसा हो तो जाते हैं खानदान में वाकियात हो जाते हैं कुछ मजबूरी हो जाती है इंसान को सफर करना पड़ता है परवर दिकार आलम उन मसाइल में आपको नहीं उलझने देगा क्या इसने रोजे रखने और यह भी बड़ी एक नाजुक बात है कि परवरदिकार आलम का यह जो एहसान है कि परवरदिकार आलम ने आपको सेहत दी आपको लिए सफर को करार करारने दिया आपके लिए कोई और मुश्किल करार करारने दी ये इनायात है परवर आलम की उस शख्स के लिए कि जो शख्स दिल से चाहता है कि इस अमल को अंजाम दे जब आपने माहमजान के रोजे की नीयत की पर आलम ने खुलू दिल से जब खुलू दिल से आप आए तो अल्लाह ने भी आपको तोफीक दी तोफी दी यानी आपको रोजा रखने की हिम्मत दी ताकत दी और उसके बाद एक लुत्फ करम उसने ये किया कि जो रुकावटें थी वह बरतरफ की यानी कोई ऐसा सफर नहीं करा दिया जिसके अंदर मैं रोजाना रख सकू मुझे बीमार नहीं किया या और कोई रुकावटें इसको कहते हैं तोफीक यहाँ पर एक मैं बात को अर्ज कर दू कि जब इंसान अमल खैर को अंजाम नहीं देता है तो ये समझता है कि शायद खुदा ने ऐसा किया नहीं खुदा ऐसा कभी नहीं करता आप रोज नमाज तहजद को पढ़ते हैं एक दिन आपकी नमाज तज कजा हो जाती है कहा यार मुझे नींद आ गई ये मसला नींद आने का नहीं था ये जो तोफी नमाज शब को पढ़ने की शैलब हुई मुझसे ये मेरे किसी गुना का नतीजा था हमारे इस अक्सर कहते थे कि जब उनसे तलबा पूछते थे, थे आगा आज हमारी नमाज तज कजे कहा गौर करो तुमने कल कोई अमल तो ऐसा अंजाम नहीं दिया कोई खाना तो ऐसा नहीं खाया जिसको जिसने तुम्हें नमाज इतना से महरूम कर दिए कितने वाक़ तो में आप लोगों को सुना अभी थोड़े दिन पहले मैं एक वाक्य पढ़ रहा था एक आलिम था तो किसी के घर मेहमान हुआ उसने कहा मुझे तो शाम को एक दावत पे जाना है आप भी चले उसने बहुत मना किया उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा आप चले जाए लेकिन जब काफी उसको मजबूर किया तो उसको ले गया रात उसने खाना खाया सुबह अब नमाज तहज दूर की बात है नमाज सुबह जो है फजर की नमाज वो भी बड़ी मुश्किल से आखिरी वक्त में पढ़ी वो आलिम बड़ा परेशान हुआ कहा मैंने मुद्दतों हो गई साला साल हो गए कभी मेरी नमाज तहजद कजा नहीं हुई थी आज क्या हुआ ये तोहफी कैसे हुई हालांकि उसने जान बूझ कर न हराम का नहीं खाया था एक ऐसे शख्स के दस्तरखान खान पर रात को खाना खाया था जिसका खाना हलाल पैसे से नहीं तैयार हुआ था उसका असर जो है वो इसकी इबादात के ऊपर आया आप मुझे बताएं कि जिन लोगों का नमाज तहजद कजा हो जाए एक निवाले की वजह से वो लोग के जिनकी नमाज पंजगाना वाजिब नमाज है, नमाज तहजद तो वाजिब नहीं है मुस्तैब उनके गुना किस कदर खतरनाक होंगे जिनकी नमाज फजरी कजा हो जाती है नमाज जोर असर भी नहीं पढ़ते नमाज मगरब इशा भी नहीं पढ़ते यह हमारे अमाल का नतीजा है गुनाह का नतीजा है लिहाजा आजीजो एक तो इंसान अल्लाह से तोफीक को तलब करे पर मैं मैं रोजे रखूँ और मेरी राह में कोई रुकावट ना आए ये बड़ी तोफीक है कि अल्लाह आपको बीमार नहीं करता अल्लाह आपको सफर में नहीं डालता आपको किसी और मुश्किल में नहीं डालता है आपके लिए वसायल फराम करता है कि आप अल्लाह की इस इबादत को अंजाम दें इसी को कहते हैं तोफी दूसरी चीज मौलाना ने फरमाई इमाम जवाद ने हजरत इमाम मोहम्मद थकीा सलाम ने वो ये कि वो वजम में नफ़से वो व में नफ़से दूसरी चीज जिसका इंसान हमेशा मोहताज है वो है अपने अंदर से अपने आप को नसीहत करे ऐसा कि रिवायत के अंदर है कि जो शख्स अपने अंदर से अपने आप को नसीहत नहीं करे दूसरों की नसीहतें उसके ऊपर अमल नहीं कर सकती ये बड़ा अल्लाह ताला का करम है एक इंसान के ऊपर कि उसका जमीर उससे गुफ्तगु करता है जब इंसान बिल्कुल इंसानियत के दायरे से निकल जाता है उसका जमीर फिर उससे बात करने के लिए तैयार नहीं होता आ, मैं कोई सियासी गुफ्तू नहीं करना चाहता आज हमारे मुल्क को जिस मकाम के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया गया और बेदर्दी के साथ हुकूक को गस्ब किया जा रहा है इस्तेहसाल किया जा रहा है आवाम का अब तक दस से ज्यादा अफराद उस आटे को लेने के अंदर कुचल के मर गए क्योंकि जो हमारी मुल्की पैदावार है और यह वही मौसम है कि जिसके अंदर गंदम की कटाई हो रही है उसके बावजूद पौने दो सौ रुपए किलो तक चला गया आटा ये कौन लोग हैं ये बेजमीर लोग हैं बेजमीर यानी जो इंसानियत के दायरे से निकला हुआ इंसान हो इनको क्या मालूम कि गरीब किस तरीके से खा रहा है अभी इन इसी खुतबे के बाद के अंदर आएंगे पैगंबर पैगम्बर ने फरमाया गरीब और मसाकीन का ख्याल रखो माहरा मजान में खुलासे तो मिनल वाह मिन बेहतरीन मिसाल जनाब हुर की है दो ढाई महीने से इमाम हुसैन के साथ साथ चल रहे थे लश्कर में बिल्कुल साथ साथ लेकिन आशूरे की सुबह तक इमाम हुसैन के साथ आकर नहीं मिले थे कितने तो तक खुतबे सुने इमाम के पीछे नमाजें पढ़ी जनाबे होर ने लेकिन इमाम हुसैन के साथ नहीं जुड़े जब सुबह खुद अपने आप से कलाम किया जमीर ने झंझोड़ा किसको मार रहा है तू तो रसूल के नवासे को किसको मार रहा है जो पैगंबर की पुश पे खेला करता था तो किस किस मारने के दर पे कि जो जिसके माथे को पैगंबर ने चूमा दांतों को पैगंबर ने चूमा रोज़ रोजकिया ज़हरा को क्या जवाब दूंगा मैं हुसैन के बाबा अली को मैं क्या जवाब दूंगा ये गुफ्तु जब जमीर की गुफ्तगु हुई होर की अपने साथ उस शक्त उसने फैसला किया हालांकि मसैन तक के खुद सुन चुका था लेकिन फिर भी नहीं आया इमाम हुसैन की तरह लेकिन जब खुद अंदर से अपने आप को नसीहत की तमाम सरदारी पोस्टें छोड़कर आशाइश आराम को छोड़कर इनाम को छोड़कर पानी को छोड़कर भूख को छो, हर चीज को छोड़कर जो है वो मौला इमाम हुसैन के कदमों में आके सर को रख देता इसको कहते हैं वाइज़न में नफ्स है अजीज चाहे तालीम हो चाहे कोई हुनर हो या कोई भी काम हो जब तक इंसान अपने आप को अंदर से नसीहत नहीं करेगा इल्म हासिल नहीं कर सकता कोई इंसान को पढ़ाई पे मजबूर नहीं कर सकता है जब तक इंसान खुद ना चाहे कोई शख्स किसी को हुनर को हासिल करने के ऊपर मजबूर नहीं कर सकता जब तक के वो खुद अपनी कोशिश ना करे इस बात को समझने की कोशिश करें चाइना की कौम ने अपने आप को नसीहत की आज तरक्की कर गई पाकिस्तान 1980 के अंदर चाइना से भी ऊपर था भारत से भी ऊपर था बांग्लादेश से भी ऊपर था लेकिन आहिस्ता 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 चालीस आएस साल के अंदर पाकिस्तान चाइना पहले नंबर पे चला गया दूसरे नंबर पे हिंदुस्तान चला गया तीसरे नंबर पे बांग्लादेश आ गया और चौथे नंबर ये कौन लोग थे इनकी आवाम ने अपने आप को नसीहतें की हमने इज्जतदार होकर जीना है हमने बावकार होकर जीना है हमने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने हैं पाकिस्तान की कौम भी और पाकिस्तान की हुकूमतें भी जब तक इरादा नहीं करेंगी अपने आप को नसीहत नहीं करेंगी जमीर इनको नहीं झंझोड़ेगा उस वक्त तक हम कभी भी तरक्की के राह के ऊपर गामजेन नहीं हो सकेंगे और आखिरी चीज जिसके बाद आज का दर्ज खत्म करेंगे वह कबूल इन में मन जन सहु ये एक इंसान की बहुत बड़ी खूबी होनी चाहिए कि जब कोई उसको नसीहत करे तो उसको कबूल कर रद्द ना करे फजक के रे निकरा तानफुल मोमिन तज़क़ुर दो मोमिन के लिए सूदमंद है अगर कोई आपको नसीहत करा अगर आपको नहीं पता है तो आपके इल में इजाफा है अगर आपको पता है फिर कोई नसीहत करा है इसका मतलब यह कि एक याद है एक तज्र है उस बात को दोबारा जिंदा करना है आपके वजूद के अंदर अगर कोई नसीहत करे कभी उसको यह नहीं कहें चलो चलो मुझे तो पता है यह खतरनाक जुमला है बुजुर्गान ओलिया बड़े बड़े आसातीज जब उनको कोई कहता था अगर उनको सब कुछ पता होता था लेकिन कभी भी इस तरह नहीं कहते थे हां मुझे पता है नहीं यह गुरूर का जुमला है ये तकबर का जुमला है जब आपको कोई नसीहत करे उसकी नसीहत के ऊपर गौर करें फिक्र करें ताकि उसको लिए उसको अपने लिए रनुम करार दें और शहादत की मंजिलों को और मरल को तय करें परवरदिकारम से दुआ है कि हमारी आज के इस रोज़े को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाएं इमाम ज़माना के जोर में ताजील फारा इस्लाम मुसलमीन को सार बुलंद फरमा तमाम मरहूम मोमिन ममिनत की परेशानियाँ दूर फरमा मरहूमिन खूस हमारे मरहूम वालदेलवाक़ी उन सबकी मफफरत फरमा इसला परवरदि हमारे वतन असीज़ की हिफाजत फरमा जो इसके अंदरूनी बेरूनी दुश्मन है काबिल असलाह नहीं है उनको जलील जलीलो नाबूद फ़र्मा अल्लाह वाल महमद वाजुलफ़रा